हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे चिकन वॉन्टॉन्स की रेसिपी। सबसे पहले हम शीट्स बना लेंगे। ये मैंने बोल में एक कप मैदा ले लिया है, उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया है, एक टेबलस्पून ऑयल। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक मीडियम सा डो बना लेंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। डो अब रेडी हो चुका है, इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे साइड में। ये मैंने पैन में एक टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया था, इसमें अब एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और थोड़ा सौते कर रही हूँ। अभी इसमें स्प्रिंग अनियन का वाइट्स चॉप करके डाला है बारीक। थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे कुक करेंगे। ये मैंने 1/2 किलो बोनलेस चिकन को ग्राइंडर में मिक्स कर लिया है, इसको हम ऐड करेंगे और इसे अभी हम कुक करेंगे मीडियम हीट पे, जब तक ये थोड़ा कुक नहीं हो जाता और इसका मॉइस्चर निकल नहीं जाता। अभी इस पे मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 नमक। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि सोया सॉस भी नमकीन होता है। इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट के डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून कटा हरा धनिया, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग ऑनियंस के ग्रीन चॉप किया हुआ और 1/2 फाइन चॉप किया हुआ कैप्सिकम। आप यहाँ पे 3 कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। अभी इन सबको हम अच्छे से सौते कर लेंगे, कुक कर लेंगे जब तक मॉइस्चर सारा सूख नहीं जाता। और ये चिकन की फिलिंग रेडी हो गई है। मैंने इसे ठंडा करके पल्स मोड पे ग्राइंड कर लिया था। अभी जो डो हमने रेडी किया था उसकी पतली रोटियां बेल लेंगे कॉर्नफ्लोर डस्ट करते हुए, और 2 शीट्स को हम चिपका लेंगे साथ में, 2 या 3 जैसे मर्जी। और सारी रोटियां बेल के हम लेयर्स बना लेंगे। ये मैंने लेयर्स बना लिया था, अभी इसकी हम एक बड़ी रोटी बेल लेंगे, बहुत ही पतली हर साइड से। फिर एक शार्प नाइफ या पिज्ज़ा कटर से हम जो अनइवन साइड्स है रोटी के उसको ट्रिम कर लेंगे। एक बड़ा सा एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, फिर इसे स्क्वायर्स में काट लेंगे।
और ये स्क्वायर्स की शीट भी हम कॉर्नफ्लावर डस्ट करते हुए एक के ऊपर एक ऐसे रख लेंगे ताकि वो चिपके ना आपस में। और जो दो लेयर्स या तीन लेयर्स आपने बनाए थे उसको अभी हम सेपरेट कर लेंगे बहुत ही आराम से ताकि शीट्स फट ना जाए। और एक के ऊपर एक रखते टाइम थोड़ा कॉर्नफ्लावर से ज़रूर डस्ट कीजिए। अभी हम एक शीट लेके उस पर थोड़ा सा फिलिंग रख लेंगे, फिर एक एंड पे ऐसे ठीक कॉर्नफ्लावर की पेस्ट लगा देंगे और फिर एक ट्रायंगल की शेप में इसे फोल्ड कर देंगे अच्छी तरह सील करते हुए। और जो दो अपोजिट एंड्स आपको दिख रहे उसे भी हम फोल्ड करेंगे पेस्ट लगा के। और ये वन टर्न रेडी हो चुका है। फिर से मैं बता रही हूँ कैसे बनाना है। एक शीट आप लेंगे उसमें थोड़ा सा फिलिंग हम भर देंगे, फिर थोड़ा सा पेस्ट एक एंड पे आप लगा दीजिए ट्रायंगल की शेप में, उसे फोल्ड कीजिए और जो दो एंड्स आपको दिख रहे हैं उसे पेस्ट की हेल्प से आप स्टिक कर लीजिए अच्छे से। ऐसे गोल बनाते हुए सारे हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तब तक मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल में अभी हम वॉन्टन्स को फ्राई कर लेंगे। एक साइड से हल्का ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्पी हो जाने तक, फिर इसको टर्न करते हुए दूसरे साइड से भी हम सेम तरह से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना है और सारे वॉन्टन्स हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। चिकन वॉन्टन्स रेडी हो चुका है। इसे एक टिश्यू पेपर पे मैं निकाल रही हूँ। गर्मा गर्म चिकन वॉन्टन्स रेडी हो चुके हैं। इसे मैंने शेजवान चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लगता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ देखने के लिए अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।